नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं लाल बिहारी लाल। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं भोजपुरी के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अपने जमाने के सुपर हिट डायरेक्टर दीप श्रेष्ठ से। दीप श्रेष्ठ जी, आप भोजपुरी के दशा दिशा पे इनसे चर्चा करेंगे। आप दीप श्रेष्ठ जी, आपके लिए आप जो है आज के भोजपुरी दशा और दिशा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों? नमस्कार मेट्रो लाइव के सभी दर्शकों को। आज का जो भोजपुरी का दौर है वो अपने दौर में पतन की ओर जा रहा है और मैं अक्सर ये बोल रहा हूँ अभी दिसंबर तक ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है और एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि ये जो भोजपुरी गंदगी गंदगी हल्ला हो रहा है तो गंदगी तो हिंदी फिल्मों में भी, हिंदी फिल्म में भी गंदगी, लेकिन भोजपुरी में डबल मीनिंग गाने जो हैं बिहारी वो बर्बाद करते रहे। इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि दर्शक जो है इसको सुनना बंद कर दे, सबसे पहला तो निदान ये है। दूसरा, इस पर सेंसर लगना चाहिए। सारे वीडियो पहले भी वीडियो पर सेंसर के बजाय वीडियो रिलीज नहीं होता था, तो आज जो है मैं तहे दिल से योगी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने कल जो डिसीजन लिया कि मैं सब्सिडी उन्हीं फिल्मों को दूंगा जो साफ सुथरी सामाजिक और शिक्षा पर पारिवारिक फिल्म बनाएगा। जो आप गंदगी और शॉर्टकट में लोग भोजपुरी बना बना के सब्सिडी ले रहे थे वो बंद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। ऐसा ही हमारे यहाँ नीतीश जी कर दें, अदर स्टेट में भी हो, डबल सेंसर होगा। एक सेंसर आप कराइए वहाँ, एक सेंसर स्टेट का होगा, तो इतना ना कॉस्टली हो जाएगा कि बहुत से लोग फील्ड छोड़ कर भाग जाएंगे। जो काम करने वाले क्या वो छोड़ के भाग जाएंगे, उनके लिए तो अच्छा होगा। इस दौर में तो मुझे लगता है कि कलाकारों का जो आजकल कई कई नई कंपनियाँ आ रही हैं, कलाकारों का बहुत सोचा करती थी। एक जमाने में कलाकारों का काफी इज्जत होता था, शोहरत होता था। पहले कलाकार, पहले कंपनी जो है वीडियोज का गाने का पैसा देख के रिकॉर्ड कराते, आज जो है आज जो कुछ भी नहीं है। आज फोकट में खेत बेच के लोग दे रहे हैं, दे रहे हैं, ये जो है गलत है। तो ये अब बताए, आज के दौर में अभी हाल फिलहाल में एक खेसारी लाल के बेटे के ऊपर पंकज सिंह गाना है, तो अब ये बीच बीच में चर्चा चलते रहती है कि भोजपुरी से असली रखा है। अभी वर्तमान में भी यही चर्चा चल रही है कि भोजपुरी से असलीता हटाई है, उसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो किसी व्यक्तिगत आदमी को नहीं बोल रहा है, लेकिन पूरी तरह से मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि आपको कोई भी काम करें, अच्छा काम करें, साफ सुथरा काम करें। साफ सुथरा तो बहुत परिवार के साथ बैठ के देखने वाला, परिवार के साथ हम काम, हम कोई भी काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं तो परिवार के साथ बैठ के हम उसको देख सकते हैं। तो आजकल तो साफ सुथरा फिल्मों को या ऑडियो को या गीतों को दर्शक देखते ही नहीं है, तो इसका क्या समझ नहीं देखते हैं? इसलिए कि कोई सारी फिल्मों आप देखते हैं बिहारी जी की, बीच बीच में आइटम सॉन्ग बजा देते हैं, आइटम सॉन्ग का कोई डिमांड नहीं होता और वो गंदगी बजा के बैठ जाती है। देखिए, मैं सबसे बड़ा दोष देता हूँ पब्लिक को, आप सुनना बंद कर दें तो अपने आप अच्छे गाने की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो जाएगी क्या है आज भी, लेकिन वो गाने आप नहीं सुनते। अगर दो गाने यूट्यूब पर चढ़ाया जाए, एक साफ सुथरा एक गंदे गाने, तो गंदे गाने को आप लाइक करने लगते हैं और साफ सुथरे को छोड़ देते हैं। ऐसा मत उसको प्रोत्साहित करें, अच्छे गानों को देखें, अच्छे चीज़ों को सुने। और मैं उन सभी सुपरस्टार से भी हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप आज टॉप पर पहुँच गए, पैसा कमा लिए तो बोल रहे हैं साफ सुथरा होना चाहिए, तो पहले सोचना चाहिए था ना। मैंने तो पहले सोच लिया, आज से 5 साल पहले ही बना दिया विरासत, दूरदर्शन पर चलाया और विरासत के माध्यम से मैं लोकगीत, लोक संस्कृति, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का
अपना फोक है, अपना ताशा है, ढोल है, सरंगी है, मैं उसे दिखाता हूँ विरासत डीप फ्रेस्ट ऑफिसर के माध्यम से। तो वैसा ही आप भी कीजिए ना, अच्छा काम कीजिए। आपके पैसे हैं, आप पैसा कमा चुके हैं, फिल्म बना दीजिए। अभी आप सुन रहे थे हमारा मेट्रो लाइफ के दीप सृष्टि को। दीप सृष्टि का कहना है कि भोजपुरी की दशा दिशा के लिए इसको दर्शक के साथ साथ बनाने वाले कलाकार भी जिम्मेदार हैं। ये दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि दर्शक जब देखेंगे नहीं तो उस कलाकार बनाएंगे नहीं, और कलाकार तो वही चीज़ बनाते हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्ट होता है, तो इन्वेस्ट को रिकवर करने के लिए कलाकार जो है गलत सलत चीज़ें या गंदी चीज़ें बनाते हैं। भोजपुरी में अश्लीलता खत्म है, इसके लिए कई लोग ठेके लेकर घूम रहे हैं। उन ठेकेदारों से भी मेरा आग्रह है कि आप उसको भोजपुरी में अश्लील गीतों को आप भी पोस्ट बनाते हैं और अभी करते हैं अश्लील, आप उसको इग्नोर करो और साथ ही साथ सलील गीतों को लेकर आप आगे आओ। ये फलाने ने ये गीत गाया है, चिराने ने ये गीत गाया है, और उस गीत को आप जितना प्रचार प्रसार कर सकते हो अपने मंच पर करो, तब भी जाके ऐसे कि भोजपुरी से समाज में भोजपुरी से अश्लील, तब भी जाके समाज में भोजपुरी की अश्लीलता खत्म होती है। मैं हमारे मेट्रो लाइफ के लिए कनेक्ट में से दीप सेठी के साथ राजवीर का।